नमस्कार, मैं जेसिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव का किया शुभारंभ, करोड़ों लोगों को मिलेगा लाभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आयुष्मान भव पहल का शुभारंभ किया। आयुष्मान भव एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका मकसद देश के हर गाँव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुँच प्रदान करना है। यह पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता के मद्देनजर शुरू की गयी है। इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितम्बर से लागू किया जाएगा। इस अभियान के तहत आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान योजना से जुड़े सभी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर आयुष्मान मेले लगेंगे। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के 30 ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स का छापा, दस्तावेज खंगाले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री आजम खान के 30 ठिकानों पर ईडी और आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। ईडी और आयकर की टीमें सुबह ही उनके आवास पर पहुंच गईं और घर को चारों ओर से घेरने के बाद जांच शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ, मेरठ, रामपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर और मध्य प्रदेश समेत आजम खान के 30 ठिकानों पर रेड की। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि आजम खान के खिलाफ पुराने मामले में जांच की जा रही है। आजम खान के खिलाफ 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के मामले में 30 मुकदमे दर्ज हुए थे और प्रशासन ने उन्हें भू माफिया घोषित किया था। ईडी ने भी आजम खान के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी की टीम ने कई बार रामपुर पहुंचकर जांच पड़ताल की थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी तलब, ईडी ने की पूछताछ। पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी ने तलब किया था। अभिषेक बनर्जी ईडी के कोलकाता स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में पूरक हलफनामा दायर कर दावा किया था कि जब प्रवर्तन निदेशालय के पहले के समन को चुनौती देने वाला उनका पुनरीक्षण आवेदन लंबित है तो ईडी का नया समन जारी करना कानूनी रूप से वैध नहीं है। हलफनामे में कहा गया कि अभिषेक बनर्जी ने न केवल पूरी जांच को चुनौती दी है बल्कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर पुनरीक्षण आवेदन में ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए पिछले समन को भी चुनौती दी है। INDIA कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज, सीट बंटवारे पर हो सकता है मंथन। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक नई दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा होगी और गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच राज्य में समझौते के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। इससे अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के कार्यों को गति मिल सकेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस बैठक के लिए CPIM ने अभी तक किसी सदस्य को नामित नहीं किया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में CPIM का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इस पर फैसला 16 से 17 सितंबर को होने वाली पोलित ब्यूरो की बैठक में होगा। आज हो रही इस बैठक में कांग्रेस, DMK, JMM, शिवसेना, UBT, राजद, आम आदमी पार्टी, सपा, JDU, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP शामिल हो रही है। राजस्थान के भरतपुर में बड़ा हादसा, ट्रक की चपेट में आकर 11 लोगों की मौत। राजस्थान के भरतपुर में ट्रक की टक्कर से 11 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। यह हादसा घटना भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र के आगरा जयपुर नेशनल हाईवे 21 पर हंतारा के पास सुबह 5:30 बजे हुआ। यह सभी लोग गुजरात के भावनगर के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार बस भावनगर से हरिद्वार जा रही थी। सुबह भरतपुर आगरा हाईवे पर बस खराब हो गई। इस दौरान कुछ यात्री बस से उतरकर पीछे खड़े हो गए। इसी बीच ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। हाईवे से गुजर रहे कुछ लोगों ने पुलिस को कॉल कर हादसे की जानकारी दी और एम्बुलेंस को बुलाया। बस के एक यात्री ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे बस में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए बस हंतारा पुलिया के नजदीक खड़ी थी। सभी यात्री रात 10 बजे पुष्कर से खाना खाकर वृंदावन के लिए रवाना हुए थे। बस में 57 यात्री थे। रूसी राष्ट्रपति ने की पीएम मोदी की तारीफ, भारत को देखकर सीखने की सलाह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देकर वे सही काम कर रहे हैं। रूसी बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में रूस निर्मित कारों पर सवालों के जवाब में पुतिन ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हमारे पास पहले घरेलू स्तर पर बनाई गई कारें नहीं थी, लेकिन अब हैं। हालांकि यह मर्सिडीज या ऑडी कारों की तुलना में मामूली दिखती हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने कई साझेदारों का अनुकरण करना चाहिए। मिसाल के लिए भारत को देख सकते हैं। भारत अपने देश में निर्मित वाहनों के निर्माण और इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने में सही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की बड़ी मुश्किलें, स्पीकर ने दिए महाभियोग जांच के आदेश। अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुसीबत बढ़ गई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर केविन मैकार्थी ने कहा कि सदन की निगरानी समिति ने बाइडेन और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का दावा किया है। राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ लेन देन की जांच की थी। स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन पर सत्ता के दुरुपयोग, बाधा डालने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इसी को देखते हुए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने सदन की समिति को राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ औपचारिक रूप से महाभियोग जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार स्पीकर इस सप्ताह सांसदों की बैठक बुलाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें बाइडेन पर महाभियोग जांच को लेकर चर्चा होगी। वहीं व्हाइट हाउस ने महाभियोग जांच को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।